ये प्रकृति हमसे चाहती है कि हम औरों को नहीं, सबसे पहले खुद को माफ करना, खुद को जज ना करना, खुद को प्रूफ करने की कोशिश ना करना कि मैं ये हूँ, मैं ये चीज़ बेहतर कर सकती हूँ और इसलिए मुझसे लोग प्रेम करेंगे क्योंकि मैं ये कार्य बेहतर कर सकती हूँ। जब हम अपने आप को जज करना छोड़ देते हैं और ये मान लेते हैं कि हम अपने आप में पूरे हैं, हम जैसे हैं जो हैं, प्रेम करने लायक हैं, अपने आप को सम्मान देने लायक हैं, वहाँ से आरोग्य की शुरुआत होती है। क्योंकि ये प्रकृति हमसे यही चाहती है कि हम खुद को प्रेम करें, खुद का सम्मान करें और जो चीज़ हमें जीवन में चाहिए उसे होने की, उसे कर देने की इस प्रकृति को अनुमति दे दें। और जब हम ऐसा करते हैं तब हमारे अंदर का जो आरोग्य है वो काम करना शुरू करता है। जैसे कि अनीता जी ने साफ साफ लफ्जों में कहा कि जब मैंने जीवन जीने की इच्छा भी त्याग दी, इस प्रकृति को मुझे जहां ले जाना है ले जाओ, मैं समर्पण करती हूं, अब मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, जो जी में आए वो करो, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जीवन भी नहीं चाहिए। परमात्मा पे और प्रकृति पे सकारात्मक तरीके से भरोसा करते हुए कि ये तो सिर्फ हमारे लिए शुभ सुंदर आनंदमयी ही करते हैं, इस भरोसे के साथ अपने आप को जब उन्होंने प्रकृति को, परमात्मा को सौंप दिया, उसके बाद उनके जीवन में जो ये अंतिम अवस्था थी उनकी, जब वो कैंसर की अंतिम स्टेज पे थी, तब उनके अंदर की ये भावनाएं थी अंतिम समय में कि अब मैं सब कुछ छोड़ रही हूँ इस प्रकृति पे और परमात्मा के हवाले कर रही हूँ, मुझे पता है मेरे साथ जो घटित होगा अति सुंदर होगा, मुझे मेरे प्रकृति पर, मुझे मेरे परमात्मा पर भरोसा है। तब उनकी ये यात्रा, जो उनकी ये नियर डेथ की यात्रा है, तब शुरू हुई। और जब उन्होंने अपने आप को उस दूसरे लोक में पाया, उस समय पर भी उन्होंने कोई विचार क्रिएट नहीं किया, कोई मान्यता नहीं, कोई धारणा नहीं, जो अब तक उन्होंने धर्म ग्रंथों में पढ़ा सीखा ऐसी कोई मान्यता लेकर वो परलोक में नहीं थी, ऐसी किसी धारणा के साथ नहीं थी, वो कुछ सोच भी नहीं रही थी, लेकिन वो उस समय होने की स्थिति में थी, सोचने की स्थिति में नहीं थी। क्योंकि हम सकारात्मक विचार क्रिएट करते हैं जब हम ये बात समझ जाते हैं कि सकारात्मक विचार कितने पॉजिटिव अफर्मेशन किस तरीके से हमारे बिलीफ सिस्टम का निर्माण करती है और हम उसके पॉजिटिव विचारों को क्रिएट करने की क्रिया शुरू कर देते हैं, तो वो एक नींव तो तैयार ज़रूर करती है, एक सकारात्मक नींव ज़रूर तैयार होती है। लेकिन उसके बाद एक अगला स्टेप आता है, वो स्टेप वो होता है जिसमें सकारात्मक विचारों को क्रिएट करने की आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि उस समय आप वो चीज़ फील कर रहे होते हैं, आप उस समय वो होते हैं। अनीता जी की वो स्थिति थी परलोक में, वो उस समय सकारात्मक खुद को फील कर रही थी, उन्हें कुछ क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं थी। हमारे भीतर का जो आरोग्य है वो आरोग्य तन का, मन का, दिमाग का, हर चीज़ का आरोग्य है। वो आरोग्य तब सक्रिय होता है, वो आरोग्य तब काम करना शुरू करता है जब हम अपने भीतर की सभी, जो हम सजग होकर क्रियाएं कर रहे हैं ना, सोच समझ कर क्रियाएं कर रहे हैं, उन्हें छोड़ देते हैं। आप इस प्रकृति पर भरोसा करते हैं ना, आप सांस लेने के विषय में सोचते नहीं है ना, आप ये नहीं सोचते ना कि क्योंकि मुझे जीवित रहना है इसलिए मुझे सांस लेनी है, आपको अपने आप सांस आती है और जाती है और आप जीवित रहते हैं, ये प्रकृति अपने आप कार्य करती है। आप भोजन करने के बाद ये नहीं सोचते ना कि मुझे भोजन को पचाना है, भोजन अपने आप पचता है, अपने आप शरीर में खून बनता है, आपको ताकत मिलती है, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से जब आपने एक सकारात्मक विचारों की ऊर्जा को क्रिएट कर दिया तो अब आप वो हैं, आपने प्रकृति पर एक सकारात्मक ऊर्जा को भेज दिया, अब वो अपना काम करेगी, आपको निश्चिंत होने की जरूरत है। आगे अनीता जी कहती हैं कि मैं जीवन को उसी के तरीके से काम करने देती हूँ। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो जब जीवन के विपरीत जाने की बजाय उसके साथ चलती हूँ तो मेरी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। हमें सिखाया जाता है ना, भगवान पर भरोसा रखो, सब कुछ भगवान को सौंप दो, जीवन के प्रवाह के साथ बहो, ये सब बातें सिर्फ सुनने में हमें अच्छी लगती हैं लेकिन हम उस पर काम नहीं करते।
और जिस दिन हम उस पे काम करना शुरू करते हैं उस दिन जीवन बहुत सरल हो जाता है। बहुत साधारण सीधे सरल शब्दों में कहा जाए तो अनीता जी साफ साफ बोलती हैं कि मुझे याद ही नहीं है कि मैंने अपने जीवन में कब अपने आप को खुश रखने की कोशिश की है। मैंने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं कि मुझे अपने आप को आनंदित रखना है, क्योंकि ऐसे करने को आज तक यही सिखाया गया कि ये तो स्वार्थ की श्रेणी में आता है। लेकिन जब वो अपने नियर डेथ के एक्सपीरियंस से गुजरी तब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि आरोग्य की जो कुंजी है, आरोग्य की जो चाबी है, वो तो यही है। जिस चीज को आज तक समाज ने स्वार्थ की श्रेणी में रखा वही तो आरोग्य की कुंजी है। अपने आप से प्यार करना, अपने आप को जज नहीं करना, अपने आप को माफ करना। जिस पल आप ये कहते हैं कि ये व्यक्ति मुझसे प्रेम करे, ये व्यक्ति मेरा सम्मान करे, उस समय आप एक याचक की मुद्रा में हैं, क्योंकि आप अवचेतन रूप से कल्पना कर रहे हैं कि एक प्रेम और सम्मान देने वाला है और एक प्रेम और सम्मान पाने वाला है। और ये जो पूरा ब्रह्मांड है, ये प्रकृति है, ये परमात्मा, ये सब आपको बेशर्त प्रेम करने के लिए ही बने हैं, बेशर्त प्रेम। और आप इसी प्रकृति का और परमात्मा का एक हिस्सा हैं, इसलिए आप भी उस बेशर्त प्रेम के अंदर ही हैं। आप भी बेशर्त जैसे हैं जो हैं, प्रेम करने लायक हैं। यहाँ तक कि जो चीज़ें आपको बहुत सकारात्मक नहीं भी दिख रही हैं वो चीज़ें भी अनंत और शर्त रहित प्रेम की तरंग का ही एक रूप हैं। हकीकत में इस ब्रह्मांड की जो जीवन शक्ति है वो प्रेम ही है। और जब आपने उस जीवन शक्ति को अपने अंदर बसा लिया, खुद से प्रेम करना शुरू कर दिया, तो आपके पास आरोग्य और स्वास्थ्य, खुशियाँ कैसे नहीं आएंगी, क्योंकि आपने जो मेन सोर्स था उसी को पा लिया है। जब आप खुद के साथ दयालुता के साथ सम्मान के साथ पेश आना सीख जाएंगे तभी आपके अंदर ये हुनर भी आएगा कि आप दूसरों की कमियों को भी नज़रअंदाज कर पाएंगे, उन्हें परखने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन जब तक आप खुद को परख रहे हैं तब तक आप स्वाभाविक रूप से दूसरों को भी परखेंगे। जिस दिन आपने खुद को जज करना बंद कर दिया, जिस दिन आपने खुद को आईने में देख के कहा मैं खूबसूरत हूँ, उस दिन आप दूसरों को भी खूबसूरत मानने लगेंगे, उन्हें भी जज करना बंद करेंगे। यहाँ मैं एक प्रश्न का भी जिक्र करना चाहूँगी जो मेरी पिछली वीडियो पे आया था, जिसमें ये पूछा गया था कि मैंने एक वीडियो में ये कहा है कि अनीता जी एक स्थान पर ये बात कहती हैं कि मुझे यदि कैंसर हुआ तो वो मेरे पूर्व जन्मों के किए हुए किसी कर्म का परिणाम नहीं था। और इसके विपरीत मैंने अपनी कई वीडियोस में कहा है कि जीवन की में जो घटनाएं होती हैं वो हमारे पूर्व जन्मों में किए गए हमारे कर्म का परिणाम होती हैं। क्या ये दोनों बातें एक दूसरे के विपरीत नहीं जाती हैं? जिन्होंने भी ये प्रश्न मुझसे पूछा है उन्होंने यकीनन मेरी वीडियोस को बहुत ध्यान से सुना है और अनीता जी की सीरीज़ को भी उन्होंने बहुत ध्यान से सुना है, तभी ये प्रश्न उत्पन्न हुआ। क्योंकि जिस समय मैं ये वीडियो बना रही थी उसी समय मुझे लग रहा था कि ये प्रश्न उठेगा, लेकिन ये प्रश्न नहीं आया, सिर्फ एक व्यक्ति ने मुझसे ये प्रश्न पूछा है। अभी अभी हम समझ रहे हैं कि हम सिर्फ ऊर्जा हैं। अगर हम अपने आप को सिर्फ प्रेम की ऊर्जा के रूप में देखेंगे तो हम सिर्फ प्रेम की ही ऊर्जा हैं। जो भी कार्य हमारे द्वारा किए जा रहे हैं, चाहे वो मन वचन कर्म किसी भी स्तर पर किए जा रहे हों, वो सब एक ऊर्जा का निर्माण कर रहे हैं। और जो हमारा जीवन है वो हमारे पिछले जन्मों की ऊर्जा और इस जन्म की ऊर्जा, इन दोनों से मिलकर बना है। हमारा आज का जो जीवन है वो पूरी तरह से सिर्फ हमारे पूर्व जन्मों में की हुई ऊर्जा, जो निर्मित हमने करी है ऊर्जा पूर्व जन्मों में, उसी का परिणाम नहीं है। हर सेकंड हम ऊर्जा का निर्माण कर रहे हैं। एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो किस परिवार में, किस परिवेश में, कितने अमीर या गरीब घर में, कैसी शक्लो सूरत के साथ पैदा होता है, ये उसका भाग्य हो सकता है, यानी ये पूर्व जन्मों की संचित ऊर्जा हो सकती है। लेकिन हर क्षण हम मन वचन या कर्म किसी भी स्तर पर ऊर्जा का जो निर्माण कर रहे हैं
वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए क्योंकि जैसा कि पुरानी मेरी वीडियोस में भी मैंने एक बात स्पष्ट करी थी कि स्वतंत्र कर्म की ऊर्जा हर सेकंड हमारे द्वारा निर्मित हो रही है, यहाँ तक कि आत्मा लोक में भी, जो हमारा आकाशीय रिकॉर्ड है, उसमें भी हम अपना जो आने वाला जीवन है उसकी संभावनाएं देखते हैं। आने वाला जीवन यकीनन यही है, ऐसे नहीं देखते हम, उसकी संभावनाएं देखते हैं। यहाँ पे संभावनाएं, इस शब्द का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है कि जो हमारा आने वाला जीवन है वो हमारे आज के किए हुए स्वतंत्र कर्म से प्रभावित हो रहा है। यानी एक संभावना है कि आप एक राजा के घर में जन्म लेंगे, दूसरी संभावना है आप एक सेठ के घर में जन्म लेंगे, लेकिन ये संभावनाएं आपके आज के किए हुए कर्मों की वजह से परिवर्तित भी हो सकती हैं। इसीलिए जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन के केस भी हुए, उसमें भी जिन आत्माओं ने अपना आकाशीय रिकॉर्ड देखा, उन्होंने भी इस बात को स्पष्ट किया है कि उन्होंने आकाशीय रिकॉर्ड में अपना आने वाला जन्म, अपना आने वाला जीवन, वो देखने की अनुमति उन्हें नहीं दी गई। क्यों नहीं दी गई? क्योंकि वो परिवर्तनशील है। इसी तरह से नियति के घेरे में भी हमें अपना अंतिम परिणाम देखने की अनुमति नहीं मिलती, हम नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि अंतिम परिणाम भी हमारे स्वतंत्र कर्म से प्रभावित होने वाला है। हमारे जीवन में जो भी घटना आती है, यदि किसी व्यक्ति के जीवन में घटना आई कि उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, तो उसका एक्सीडेंट हो गया, लेकिन जो उसका परिणाम है कि अब वो निखर के बाहर निकलता है या टूट जाता है, दो में से जो भी उसका परिणाम होगा, वो परिणाम उसके स्वतंत्र कर्म की ऊर्जा से प्रभावित होगा। एक्सीडेंट होना पूर्व जन्म की ऊर्जा हो सकता है, लेकिन यदि वो एक्सीडेंट होने के बाद और भी ज्यादा सुंदर और स्वस्थ बनकर बाहर निकलता है, तो ये उसके कहीं ना कहीं अंतर मन द्वारा, मन वचन कर्म द्वारा, जो आज वो स्वतंत्र ऊर्जा क्रिएट कर रहा है, उसका भी परिणाम होती है। ठीक इसी तरह से अनीता जी को जो कैंसर हुआ, वो उनके पूर्व जन्म में क्रिएट की गई ऊर्जा का परिणाम नहीं था। वो इस जन्म में जो ऊर्जा क्रिएट कर रही थी, बार 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 उनके आसपास भी जो उनके प्रियजन थे उनको कैंसर हुआ, जो उन्होंने बहुत डीपली इस विषय में सोचा और ये डर में जिए कि कहीं मुझे कैंसर तो नहीं हो जाएगा, ये जो स्वतंत्र ऊर्जा, वो उन्होंने एक स्थान पर वो बिल्कुल साफ साफ ये बात कहती हैं कि कैंसर तो मुझे 4 वर्ष रहा, लेकिन उससे पहले ही मुझे कैंसर हो गया था। वो ये कहना चाह रही हैं कि कैंसर उनको 4 वर्ष रहा, लेकिन उससे पहले वो जो उन्होंने स्वतंत्र क्रम की ऊर्जा क्रिएट करनी शुरू कर दी थी मन के स्तर पर, डर कि कहीं मुझे कैंसर तो नहीं हो जाएगा, वो उस स्तर पर उनको कैंसर पहले ही हो चुका था। हाँ, लेकिन उसका जो प्रगटीकरण था, जो वो शरीर पर निकल के आया, वो 4 साल थे, वो 4 साल में दिखाई दिया, लेकिन उन्होंने उससे पहले ही कैंसर को क्रिएट करना शुरू कर दिया था। ये बात वो साफ साफ एक स्थान पर कहती हैं, आप उनकी वीडियोस में भी ये लाइन सुनेंगे। यानी जो उनको कैंसर हुआ वो उनकी इसी जन्म की क्रिएट की गई ऊर्जा का परिणाम था। हमारे आज के जीवन में जो भी घटनाएं आ रही हैं, सब की सब हमारे सिर्फ पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम नहीं है। अगर ऐसा होगा तो ये जो जीवन वाला गेम है, ये कहीं ना कहीं अनफेयर हो जाएगा। हर बार अगर ऐसी ही प्रक्रिया हो कि आपको एक ऐसे कर्म का रिजल्ट प्राप्त हो रहा है जिसकी आपको जानकारी ही नहीं है, तो आपकी जो स्वतंत्र कर्म की ऊर्जा आपके पास यदि होगी ही नहीं, तो आप सीखने के प्रोसेस में कैसे आएंगे? आत्मा अपनी तरक्की के प्रोसेस में कैसे आएगी? इसलिए हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है, सबका ठीक रहा हम पूर्व जन्मों के किए हुए कर्म के परिणाम, ये कहकर बच नहीं सकते हम। सब कुछ पूर्व जन्मों के किए हुई कर्म की ऊर्जा है, ये कहकर हम अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश नहीं कर सकते। बहुत कुछ, बहुत ज्यादा हमारे आज के किए हुए कर्मों की ऊर्जा भी है। अगर अनीता जी ने खुद से सच्चा प्रेम किया होता, कभी इस डर को अपने अंदर पाला ही ना होता कि मुझे कैंसर हो जाएगा, तो उन्हें कैंसर नहीं होता। लेकिन कैंसर होने में भी भलाई थी। अगर ये इस प्रक्रिया से नहीं गुजरती, तो आज जो उन्होंने इतनी गहराई से अध्यात्म को समझा, सिर्फ समझा नहीं,
जीने के तरीके में शामिल किया और हम तक ये नॉलेज पहुंचाई, वो इसका जरिया नहीं बन पाती। उदाहरण के तौर पे आपने ऐसे कितने ही किस्से पढ़े होंगे, कितनी ही इस तरह की महान हस्तियों की बायोग्राफी आपने पढ़ी होगी, जिसमें आपने ये पढ़ा होगा कि ये व्यक्ति बचपन में आज जिस फील्ड का वो महारथी है उस फील्ड के विषय में उसे कोई जानकारी ही नहीं थी, या बचपन में ये बच्चा बहुत ही एक नालायक बच्चे की श्रेणी में आता था। जैसे कि आइंस्टाइन के विषय में भी कहा जाता है कि बचपन में वो बहुत अधिक बुद्धिमान बच्चों की श्रेणी में नहीं आते थे, यहाँ तक कि उनके जो टीचर्स थे उन्होंने भी उन्हें स्कूल से निकाल दिया था ये कहकर कि ये बुद्धिमान बच्चा नहीं है, ये हमारे स्कूल में नहीं पढ़ सकता। लेकिन बाद में उन्होंने जब अपने स्वतंत्र कर्म की ऊर्जा का यूज़ किया तो वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, उन्होंने अपनी बुद्धि का लोहा दुनिया को मनवाया। यानी उनका बुद्धिहीन बनकर पैदा होना ये उनकी किस्मत हो सकता था, लेकिन आत्मा ने जो मेहनत करने की जज्बे को शायद कई जन्मों में अपने अंदर पाला होगा, मैं काबिल हूँ इस भावना को शायद कई जन्मों में शिक्षाओं में उन्होंने उन्होंने सीखा होगा, उनकी आत्मा ने ये चीज़ अपने अंदर फीड करी होगी कि मैं काबिल हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं ज़रूर करके दिखाऊंगा। ये शिक्षा लेकर जो उनकी आत्मा इस धरती पर आई थी उस शिक्षा की बदौलत उन्होंने अपने स्वतंत्र कर्म की ऊर्जा का यूज़ किया और अपने आप को बुद्धिमान लोगों की श्रेणी में शामिल कर लिया। ठीक इसी तरह से कैंसर अनीता जी के भाग्य में लिखा हुआ नहीं था, ये उनकी इस जन्म की क्रिएट की गई ऊर्जा का परिणाम था। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी उनके जो जो उनके जीवन का लक्ष्य था, जो जो उनकी आत्मा ने अपने लिए लक्ष्य डिसाइड किया होगा, उस तक पहुंचने का माध्यम बन गया। आत्मा अपने लिए जो लक्ष्य तैयार करती है कि मैंने इस चीज को पाना है, हमारे मार्गदर्शक, हमारी जीवन की परिस्थितियां हमें गाइड करती हैं, हमें उस हमारे जो लक्ष्य है उस लक्ष्य तक पहुंचने का उसका जो रास्ता है वो अलग अलग हो सकता है। अनीता जी की यदि उनकी सोल का ये एम था कि वो इस ज्ञान को दुनिया तक पहुंचाने का जरिया बनेंगी, ये सोल उनकी उनकी सोल ये एम लेकर इस धरती पर पैदा हुई, यदि उन्हें कैंसर ना होता तो कोई और जरिया बन जाता उनका इस नियर डेथ एक्सपीरियंस को प्राप्त करने का और हम तक ये ज्ञान पहुंचाने का, लेकिन आत्मा अपनी जो उसने उद्देश्य है उस तक पहुंच जाती। कुछ आत्माएं सिर्फ एक ही जन्म में या दो ही जन्म में अपने उस उद्देश्य को प्राप्त कर लेती हैं, कुछ आत्माएं थोड़ा लंबा वक्त लेती हैं, लेकिन ये प्रकृति इस प्रकार से सेट है कि जो भी आत्मा अपना उद्देश्य लेकर निकलती है इस जीवन की यात्रा पर, इस प्रकार की परिस्थितियां निर्मित होती हैं कि वो उसको उसके उद्देश्य से मिला दे। एक स्थान पर और ये बात आती है कि ये सारा ब्रह्मांड मेरा ही विस्तार है। यानी जो ऊर्जा आप क्रिएट कर रहे हैं, अगर आप पॉजिटिव ऊर्जा क्रिएट करने में सक्षम हो जाते हैं तो ये पूरा ब्रह्मांड आपकी उस ऊर्जा को, उस पॉजिटिव ऊर्जा को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, उसका बहुत ज्यादा विस्तार कर देता है। और प्रेम की ऊर्जा पे ये बात सबसे ज्यादा लागू होती है, सकारात्मक ऊर्जा पर ये बात ज्यादा लागू होती है। इसलिए लागू होती है क्योंकि ब्रह्मांड के पास हमें देने के लिए है ही प्रेममयी सकारात्मक ऊर्जा। तो वो जो ऊर्जा जब हम क्रिएट करते हैं और वो इस ब्रह्मांड के साथ मिलती है तो वो कई गुना विस्तार को पा जाती है। इस बात का एक बहुत सुंदर अर्थ ये है कि अगर आप पॉजिटिव ऊर्जा को उत्पन्न करने में सक्षम हो जाते हैं, इस प्रकृति और परमात्मा की सकारात्मक ऊर्जा पे भरोसा करने में सक्षम हो जाते हैं, तो वो अपने विस्तार को बहुत जल्दी पाएगी। यानी उसका जो परिणाम है वो आपको सालों में नहीं, महीनों और दिनों में मिलेगा, जैसा कि अनीता जी के साथ हुआ। उन्हें सिर्फ महीना डेढ़ महीना लगा और वो पूरी तरह से कैंसर से मुक्त हो गई। वो साफ लफ्जों में कहती हैं कि मैं तो कैंसर से उसी समय मुक्त हो गई थी जब मैंने अपने आप को उस नियर डेथ एक्सपीरियंस में अनुभव किया था, प्रेम में ऊर्जा के साथ अपने आप को प्रेम करना सीखा था, मैं तो उसी क्षण कैंसर से एक क्षण में मुक्त हो गई थी। लेकिन प्रगटीकरण, क्योंकि शरीर उस ऊर्जा को, उसका प्रगटीकरण शरीर करेगा,
जिस ऊर्जा का निर्माण आपने किया है अब वो आपके शरीर पे प्रकट होगी। तो जो उन्होंने ऊर्जा निर्मित करी प्रेममयी ऊर्जा, उसने उनके मन पर तो क्षण में कार्य किया, क्षण में वो कैंसर मुक्त हो गई थी मन के द्वारा, लेकिन उनके शरीर पे इसका प्रकटीकरण होने में लगभग 1.5 से 2 महीने का वक्त लगा। वो वक्त लगा जब पूरी तरह से डॉक्टरों द्वारा भी उनके अंदर ट्रेस मात्र भी कैंसर का नहीं है ये साबित करने के लिए डॉक्टरों ने जो समय लिया वो लगभग 1.5 से 2 महीने का था। बिल्कुल ठीक इसी तरह से जब आप अपने आप को प्रेम करेंगे, जब आप सकारात्मक ऊर्जा को इस प्रकृति के हवाले करके निश्चिंत होना सीख जाएंगे, जब आप सकारात्मक प्रेम में ऊर्जा को निर्माण करना सीख जाएंगे, तब जो चमत्कार घटित होगा वो मन पे तो क्षण में घटित होगा, तन पे उसका प्रकटीकरण होने में शायद 1.5-2 महीने का समय लगे। यहाँ सबका अपना अलग अलग स्तर है, जिस प्रकार की जितनी ऊर्जा हम निर्मित करते हैं, जितने समय तक हम उस ऊर्जा को निर्मित करने में सफल हो पाते हैं, जितना गहराई से हम इस चीज़ को समझ के उस ऊर्जा के निर्माण का कार्य कर पाते हैं। क्योंकि अक्सर ये जो बात कही जा रही है ये बातें बहुत सारे लोग हैं जो समझ तो जाते हैं लेकिन कुछ घंटे या कुछ दिन इसके बाद वो इस राज को भूल भी जाते हैं। और अगर हम इस राज को ना भूलें और हर सेकंड अपने ऊपर अप्लाई करें तो चमत्कार घटित होने में कुछ कुछ दिनों का वक्त लगता है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। ये प्रकृति हमसे चाहती है कि हम औरों को नहीं, सबसे पहले खुद को माफ करना, खुद को जज ना करना, खुद को प्रूफ करने की कोशिश ना करना कि मैं ये हूँ, मैं ये चीज़ बेहतर कर सकती हूँ और इसलिए मुझसे लोग प्रेम करेंगे क्योंकि मैं ये कार्य बेहतर कर सकती हूँ। जब हम अपने आप को जज करना छोड़ देते हैं और ये मान लेते हैं कि हम अपने आप में पूरे हैं, हम जैसे हैं जो हैं, प्रेम करने लायक हैं, अपने आप को सम्मान देने लायक हैं, वहाँ से आरोग्य की शुरुआत होती है। क्योंकि ये प्रकृति हमसे यही चाहती है कि हम खुद को प्रेम करें, खुद का सम्मान करें और जो चीज़ हमें जीवन में चाहिए उसे होने की, उसे कर देने की इस प्रकृति को अनुमति दे दें। और जब हम ऐसा करते हैं तब हमारे अंदर का जो आरोग्य है वो काम करना शुरू करता है। जैसे कि अनीता जी ने साफ साफ लफ्जों में कहा कि जब मैंने जीवन